फ्रेंड्स, कहीं आपके घर में भी तो नहीं लगा मकड़ी का जाला? कहीं आपका सौभाग्य भी ना अटक जाए मकड़ी के जाल में। तो कैसे करें अपने घर की सफाई और कैसे सौभाग्य अपना जगाएं, दिवाली के दिन पंडित जी से जानते हैं। नेहा, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया आपने, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। एक ऐसी खास और आम चीज़ भी है, आम मतलब हर किसी के घर में होती है। देखिए, मकड़ी जो है उसका काम होता है जाल बुनना, जाल में बहुत सारे मच्छरों को फंसा लेना और उसके बाद में एक अपना अपना घर क्रिएट कर लेना। बहुत सारे मृत मच्छरों की देह पड़ी रहती है, बहुत अशुभता की चीज़ मानी गई है। देखिए, शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र कहता है कि लक्ष्मी जो हैं वो स्वच्छता प्रिय हैं और अलक्ष्मी हैं वो जो हैं गंदगी को पसंद करती हैं। मूलतः गंदगी क्या है? गंदगी वो चीज़ है जो हमें बीमार कर देती है। जैसे मच्छर हमें बीमार कर देते हैं, डेड बॉडीज मच्छरों की हमें बीमार कर देती हैं। जहाँ पर भी मकड़ी के जाले होते हैं तो ये बात समझ लीजिएगा वो चीज़ आपको बहुत अशुभ परिणाम देने जा रही है जी। वास्तु के दृष्टिकोण से भी और ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी मकड़ी के जाले दुर्भाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं जी। ऐसे केसेस के अंदर आपको शीघ्र अतिशीघ्र बुधवार के दिन के इधर उधर या शुक्रवार के दिन के इधर उधर मकड़ी के जाले हटाने चाहिए और कोशिश ये कीजिए कि मकड़ी को मारे ना, एटलीस्ट उसके जाले हटा लें। क्योंकि दीपावली का पीरियड है, साफ सफाई का पीरियड है, इस पीरियड में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके अपनी साफ सफाई पर ध्यान दें। और दूसरी बात ये, जाला हटाने के बाद में वहाँ पर डिटर्जेंट और पानी से सफाई ज़रूर करें ताकि ट्रेसेस जो हैं जाले के वो रह ना जाएं। देखिए, अगर आप कलर करवा रहे हैं तो सारे जाले हटाए जाते हैं उसके लिए जी, बिल्कुल। लेकिन कोशिश ये करें कि हम किसी जीव को मारने का काम ना करें, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और एक चीज़ और करिए, डिफ्यूज़र लगाइए अपने घर में। डिफ्यूज़र जो होता है उसके नीचे एक छोटा सा लैंप लगा हुआ होता है जो गर्म होकर के डिफ्यूज़ करता है और उसमें नींबू का रस और थोड़ा सा परफ्यूम डाल करके आप उस चीज़ को एनहांस कर सकते हैं ताकि मकड़ीवान ना आए। तो पंडित जी, आपने वीडियो में बात की कि जो मकड़ी का जाला है वो वास्तु के हिसाब से भी सही नहीं है और ज्योतिषी दृष्टिकोण के हिसाब से भी सही नहीं जी। है। तो जब हम वास्तु की बात करते हैं तो उसमें बोलते हैं कि जहाँ जाला होता है वहाँ अशुभता आती है, बिल्कुल, बहुत सारे हमें कर्जों का सामना करना पड़ता है, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से क्या क्या नुकसान होते हैं? देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मकड़ी क्या रिप्रेजेंट करती है। मकड़ी रिप्रेजेंट करती है शनि और मंगल के फ्यूजन को जी, और शनि और जहाँ मंगल आपस में मिल जाते हैं वहाँ अष्टवक्रीय योग बन जाते हैं। अष्टवक्रीय योग का मतलब होता है, आपने देखा होगा मकड़ी जब जाला बुनती है तो उसके अंदर वक्र वाली चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं जी। जाला सिर्फ एक नॉर्मल नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी डिजाइनिंग होती है। और मकड़ी के पाँव कितने होते हैं? 8 जी। आप देखिएगा कभी नोट करके, आपको 8 पाँव वाली मकड़ियाँ ज़्यादा मिलेंगी। कारण क्या होता है, जब कभी भी मंगल और शनि आपस में टकराते हैं या एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाते हैं, सबसे ज़्यादा कर्जों की प्रॉब्लम आती है। ऋण के लिए, ऋण के मोचन के लिए भी मंगल स्तोत्र पढ़ा जाता है। यानी कि कर्जा जितना भी आपके चार्ट के अंदर, अगर आपका मंगल 12वें भाव को इफेक्ट करता है या 6ठे भाव को शनि इफेक्ट करता है या 12वें भाव को इफेक्ट करता है शनि, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कर्जे आ जाते हैं और प्रगति के मार्ग जो होते हैं वो रुक जाते हैं, सीजिंग हो जाती है। इसलिए मकड़ी को मत मारिए, जालों को हटाइए और मकड़ी को अपने घर से दूर भगाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा कि मकड़ी के जाले हमेशा झाड़ू से ही हटाए जाते हैं, अलक्ष्मी को अलक्ष्मी से ही बाहर निकाला जाता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। लेकिन उस जगह को ठीक करने के लिए आप, मैंने जैसे कहा आपको डिफ्यूज़र लगाएं, तो हम प्रोग्राम के लास्ट में एक अच्छा सा उपाय भी ज़रूर बताएंगे आपको। पंडित जी, जैसे अभी वास्तु की बात करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो आपको बता देते हैं कि आपके इस घर में ये चीज़ इस कोने में खराब होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली जी। तो क्या ज्योतिष जो है वो कुंडली देखकर ये पता लगा सकते हैं हमारे घर के कोने में जाला लगा है? बिल्कुल, उसकी वजह से हमें बिल्कुल समझिएगा, मिल रही है, बिल्कुल समझिएगा। देखिए, वास्तु कंसल्टेंट भी आपकी कुंडली ही देख करके बताता है कि आपके घर में यहाँ इस समस्या का होनी चाहिए जी। कारण क्या है? देखिए, वास्तु जब तक आप विजिट ही नहीं करोगे आपको वास्तु समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम एस्ट्रो वास्तु कहते हैं, उससे आपकी कुंडली देखकर यह बताया जा सकता है कि आपका घर कौन सा मुखी होना चाहिए, कि आप किराए के मकान में रह रहे हैं, अपने मकान में रह रहे हैं, आपका कमरा कहाँ होना चाहिए, आपका टॉयलेट किस तरफ होना चाहिए।
साथ ब साथ के अंदर ये भी बता देते हैं, जहाँ पर शनि मंगल का फ्यूजन होता है या शनि मंगल एक दूसरे से कहीं भी संपर्क बना करके 12वें या 6ठे भाव में दृष्टि देते हैं, तो ये बताया जा सकता है कि आपके घर की दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर मकड़ी के जाले होने चाहिए। एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ नेहा आपको जी, उत्तर साइड में मकान के, अगर आपका मकान सुव्यवस्थित है और वहाँ पर वास्तु कंप्लायंस है, तो जाले हो ही नहीं सकते। मकड़ियाँ कभी दिन के समय में आप देखते होती हैं, कहीं नहीं होती हैं जी, है ना। कारण क्या है? कारण यह है कि मकड़ियाँ जो होती हैं वो रात के समय पर ज़्यादा होती हैं, धूप से परहेज होती है उनको। कारण और क्या, देखिए अब इसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग सुनिएगा। मच्छर दिन में देखें आप, नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये रात में क्यों होते हैं? क्योंकि दिन के समय वो सोते हैं। ये बेसिकली एक साइंस है। सूर्य के प्रभाव में एक ज़माना था, लोग क्या करते थे, जल्दी खाना खा लेते थे रात का सूर्यास्त से पहले, क्योंकि सूर्यास्त होते ही मच्छर, मकड़ियाँ जी, कॉकरोचेस उसका कारण होता था। इसलिए क्या, रात को लोग जल्दी निवृत्त हो जाते थे, इसलिए गंदगी से बचे रहते थे। इसलिए भी जिनके मकान पश्चिम मुखी होते हैं या साउथ मुखी होते हैं, वहां पर मकड़ियां जाला बनाती हैं। नंबर एक, जहां पर भी सूर्य व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है, सूर्य में कोई भी प्लैनेट, वहां मकड़ी के जाले नहीं होते। अगर आपका घर वास्तु कंप्लायंस के अकॉर्डिंगली है और आपकी कुंडली में अगर शनि मंगल 12वें भाव पर युति बनाकर या दृष्टि संबंध से अगर नजर नहीं डाल रहे हैं, तो आपके ऊपर कर्जा हो ही नहीं सकता। कर्जा होता ही कारण उसका मंगल है। तो इसलिए जिनके घरों में भी मकड़ी के जाले बने हुए हैं, वहाँ पे कर्जों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और हमारा टॉपिक भी आज का यही है, कहीं मकड़ी के जाले ला न दें आपके जीवन में कर्जों का अंबार। और उसका कारण भी यही है, कारण है आपके घर में बनने वाले मकड़ी के जाले, जो एक तरीके का सिग्निफिकेशन है कि हाँ आपके जीवन में गड़बड़ हो सकती है कर्जों से संबंधित जी। तो पंडित जी, जैसे ये घर में लगना अमूमन सी बात है, हाँ, इसको बार बार हटाया जा सकता है, वो सही है, लेकिन क्या होता है कि इसको हम प्रोसेस में कई बार नहीं रोक पाते, तो इसकी अशुभता हम पर प्रभाव ना डाले, उसके लिए कुछ उपाय हमारे व्यूज के लिए बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये जानना होगा कि ज्योतिष और वास्तु के हिसाब से मकड़ी का जाला शनि मंगल को फ्यूज करके राहु को उत्पन्न करता है, तभी जीवन में कर्जे आते हैं। ठीक है, तो राहु को हमेशा केतु से भगाया जाता है और केतु को हमेशा राहु से भगाया जाता है। उसके लिए आज आपको खास विशेष उपाय बता रहा हूँ। नीम की सूखी हुई पत्तियाँ, नींबू के सूखे हुए छिलके और केले के सूखे हुए पत्ते लीजिए और इन तीनों चीज़ों को आप, और या फिर आप नींबू के बीज भी ले सकते हैं, सूखी हुई इमली की छाल भी ले सकते हैं। इनमें से ये सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे केतु के प्रोडक्ट हैं। जब आप इसमें अग्नि लगा देते हैं तो क्या होता है, जो इससे धुआं उड़ता है, धूम्र, वो केतु को सिंबलाइज करता है। और आप देखिएगा कभी भी मकड़ी धुएं से भाग जाएगी जी, वापस कभी नहीं आएगी। तो इसलिए इसकी धुनी करें घर में, गाय के कंडे पे के ऊपर आप सिर्फ छोटी छोटी तीन चीज़ें ले लीजिए, नींबू के सूखे हुए छिलका, नीम की पत्तियाँ और साथ साथ में एक विशेष चीज़ अगर आप ले सकते हैं, या तो केले की छाल ले लीजिए, इमली की छाल ले लीजिए, तो आपको बहुत शुभ लाभ होगा, मकड़ी वहां फिर पलट के आएगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस अहम जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की और भी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल कुंडली टीवी, फेसबुक पेज कुंडली टीवी लाइक और शेयर करना ना भूलें। We'll be right back.